नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन व्यवसाय का। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो किसी पर्टिकुलर डिश की नहीं है। आज हम बनाएंगे चना मसाला पाउडर, जो कि हम घर में बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाता है। वैसे तो हर तरीके के मसाले बहुत सारे ब्रांड्स में मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कहते हैं ना कि घर की चीज़ घर की ही होती है। और आप किसी भी मसाले को अगर बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं तो उसका खुशबू, उसका जायका और उसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज होता है, उसे किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आज जो हम छोले मसाला बनाने जा रहे हैं, बहुत ही इजीली घर में बन जाता है। और जो मार्केट के मसाले आते हैं उनकी खुशबू में और इसकी खुशबू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और होममेड चीज़ का तो कहना ही क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोले मसाले की एक अमेजिंग सी रेसिपी, जो विदाउट फेल रेसिपी है। मैंने यहाँ पे ली है चना दाल। अगर आपके पास मार्केट के भुने हुए चने हैं तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों की मेज़रमेंट करने के लिए मैंने एक कटोरी रख ली है। एक ही कटोरी के नाप से आप सारी चीज़ें लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटी वाली कटोरी ली है, जो कि हम चटनी की कटोरी होती है ना, बिल्कुल छोटी, ये वो वाली कटोरी है। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पे चना दाल लिया है और इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। जब ये अच्छे से भुन गई है, इसका बिल्कुल गोल्डन कलर हो गया है, तो हम इसे ठंडा होने के लिए अलग निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ खड़े साबुत मसाले लिए हैं। मैंने यहाँ पे लिया है दालचीनी लगभग 1.5 टुकड़ा, साथ ही मैंने 2 यहाँ पे सौंठ के टुकड़े लिए हैं, 6-7 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 मैंने स्टार एनीस ली हैं और 2 मैंने जावित्री के फूल लिए हैं। अब हम इन सब मसालों को यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में डाला है सौंठ, जो कि मैंने 2 टुकड़े लिए थे, साथ में 2 बड़ी इलायची और 6-7 मैंने यहाँ पे छोटी इलायची, इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। सबसे पहले छोटी इलायची भुन जाती है, उसके बाद हम और 5 से 7 सेकंड हम इन दोनों चीज़ों को और भूनेंगे। अब हमारी सौंठ और बड़ी इलायची भी आराम से भुन गई है, तो हम इनको निकाल लेते हैं। ये तीनों चीज़ हमारी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ, तो इनकी क्वांटिटी मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी। तो मैंने यहाँ पे धनिया लिया है 4 बड़े चम्मच, 2 चम्मच मैंने जीरा, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है। साथ में जो हमने स्टार एनीस ली थी वो डाली हैं 3, 2 मैंने जावित्री डाली हैं और साथ में 1.5 मैंने यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, आपका मसाला बहुत ही अमेजिंग बनेगा। और जब ये मसाले हल्के से रोस्ट होने शुरू हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे डाल दी हैं 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी के। अब हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा और भूनेंगे, तब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और ये खुशबू इतनी अमेजिंग होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब ये पूरा प्रोसेस कर रही थी ना, तो घर में एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ गया था। सब चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच अनारदाने का, और उसको भी मैंने भून लिया है। अनारदाने को आप बिल्कुल अलग भूनें, क्योंकि ये 1 या 2 सेकंड में ही भून जाता है। तो मैंने इन्हें मसाले के साथ ऐड नहीं किया था, क्योंकि मसाले थोड़े से टाइम लगाते हैं भुनने में और जो अनारदाना होता है वो बहुत जल्दी भुनता है। तो अब मैंने सारी चीज़ों को ठंडा कर लिया है, और जब ये ठंडे हो गए थे, रूम टेम्परेचर पर आ गए थे, तो मैंने इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब हम यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल बेसिक से मसाले। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1.5 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे नॉर्मल नमक डाला है, इसके बाद मैंने 1 चम्मच देगी मिर्च और 1/2 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाली है। मेरे पास साबुत लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे दोनों तरीके के मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च साबुत है, तो आप जब मसाले भुनेंगे तब उसी में उनको भी रोस्ट कर लीजिएगा। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है 1/2 चम्मच पुदीने का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे अमचूर का ऐड किया है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है कलर के लिए, और जो हमने इलायची और स्टार एनीस वगैरह भून के रखी थी वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। तो अब हमारे सारे मसाले को हम अच्छे से पीस लेंगे, अच्छे से बिल्कुल इसे पाउडर फॉर्म में कर देंगे, और हमारा छोले मसाला हो गया है बनकर तैयार। और जब आप मिक्सर ग्राइंडर का ढक्कन खोलेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ही ना आप छोले बना रहे हैं, घर में ना बहुत ही अच्छा सा अरोमा फैल गया था। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि घर की बनी हुई चीज़ को कोई भी
मार्केट की चीज़ बीट नहीं कर सकती। इस मसाले को घर में ज़रूर बनाइएगा। अगर आप इसमें चाहें तो अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और हमारे यहाँ त्योहारों पे उपवास में या व्रत में अनियन गार्लिक नहीं खाया जाता, तो मैंने यहाँ पर अनियन गार्लिक को ऐड नहीं किया है, अनियन गार्लिक पाउडर। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अनियन गार्लिक का पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून। आपने अगर ये मसाला एक बार बना लिया ना, आप मार्केट से छोले मसाला लेना बिल्कुल बंद कर देंगे। और ये आराम से स्टोर बोट हो जाता है, आप इसे किसी भी ग्लास कंटेनर में स्टोर बोट करके रख लीजिए, ये आपका 1 महीना 1.5 महीना आराम से चल जाता है। और जब आप बना लेना उसके बाद मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये छोला मसाला कैसे लगा। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू।